अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है, आज ना मामा ने रात के खाने में बनाए थे दाल चावल। बाहर कमरे के जो है ना फड्डे लगे हैं तो उनको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। आज मामा ने बनाए थे दाल चावल, ये पता नहीं कौन सी दाल थी, एक थी चनों की हाँ और एक थी माश की दाल, ये ब्लैक ब्लैक जो है ये माश की दाल है छिलकों वाली, और ये बहुत ही मज़े का खाना था। फिर जो हम लोगों को ना रात को भूख के दौरे पड़ते हैं, रात को जब आपको वो भूख लगती है ना तो उसको बोलते लेट नाइट क्रेविंग। तो शवाजे ने और शाम ने मिल के बनाए थे आलू के पराठे। यहाँ पे जो है शवाजे ना मुझे तंग कर रही है वीडियो कैप्चर करने में, साथ जो है ना मैंने दही के अंदर ना जब पानी ऐड किया था तो वो इतना ज़्यादा ऐड हो गया था ना, तो मेरे जो डंगर बहन भाई ने वो बस 24 घंटे मुझे चढ़ाई जा रहे थे कि लस्सी है ये तो लस्सी बना दी, तो आपने लस्सी बना दी, पराठों के साथ लस्सी भी है, लस्सी 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 कर रहे थे, लग बात है कि ये दही था। खैर यहाँ पर जो है हम सारे ना पराठे खा रहे थे और मामा को भी हम थोड़ा सा शेयर कराया था, लेकिन थोड़ा सा ही कराया था, और ये पराठे बहुत ही अच्छे बने थे लेकिन जितने मज़े की मैं बनाती हूँ उतने नहीं थे। उसके बाद जो है यहाँ पे ना मैं सुबह जब उठी थी तो मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था, पकोड़े बनाए थे, लेकिन ना जब मैं ये वीडियो कैप्चर कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैमरे का रिज़ल्ट इतना ब्लर हुआ है। ठीक है, तो इतने ब्लर वीडियो कैप्चर में मुझे गुस्सा आ रहा था, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती कि कैमरे का रिज़ल्ट ब्लर ना हो, लेकिन वो ब्लर हो जाता तो मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पर ना मैं ज़रा डिफरेंट स्टाइल से पकौड़े बनाती हूँ। आलू जो होते हैं ना वो उनको मैं कद्दूकश करती हूँ, बल्कि मैं इनको काटती नहीं हूँ। यहाँ पे जो मसाले वगैरह डाले थे, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च, उसके बाद जो है ना बेसन ऐड किया था। पहले बेसन ऐड करके अगर बाद में आप मसाले वगैरह डालते तो वो बहुत ही फीके बनते हैं। बेसिकली हुआ क्या था मेरे साथ कि जैसे ही मैं ये पकौड़े फ्राई करने के लिए रखे थे ना, तो शायद मुझे भूख का दौरा पड़ा था, शायद मुझे गर्मी लगी थी, पता नहीं क्या हुआ था, वीकनेस हो गई थी बहुत ज़्यादा, मुझे जो है ना बहुत ही बुरे चक्कर आना शुरू हो गए थे। तो मैं जो हूँ ना पकौड़ों को जल्दी से कढ़ाई से निकाल के प्लेट को टेबल पर रख के तो साथ ही जो है मैं सोफे के ऊपर गिर गई थी, और फिर जो है मुझे मेरी ना आँख लग गई थी और फिर मैं सो गई थी। और फिर जब मैं सुबह उठी, सुबह तो नहीं शाम को उठ गई थी, तो मैंने देखा कि टेबल पे भुस्से पुराने पकोड़े पड़े, मैंने एक बाइट भी नहीं ली क्योंकि मुझे बहुत ही बुरे चक्कर आए थे, और फिर मैं साथ ही सो गई थी। उसके बाद जो है यहाँ पर मामा ने आज रात के खाने में बनाई थी माश की दाल, और मामा माश की दाल बहुत ही अच्छी बनाती हैं। खैर मामा तारीफ सुन ना लें अपनी कहीं। उसके बाद जो है ना मामा ने बनाई थी दाल, और अनुषा और मैंने डिसाइड किया था कि रोटियां जो हैं वो हम बना लेते हैं। तो मैं जो रोटियों के लिए आटा गूंद रही थी, यहाँ पे आटा जो है मेरे परात में निकाल लिया था। उसके बाद जो है आटा निकालने के बाद जो है उसको अच्छी तरह से गूंद भी लिया था। अगर आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग जो है ना इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि जो भी हम लोग अगर किसी भी घर में जितने भी लोग हैं, अगर आप कोई काम करते हो ना एक दिन तो आपकी ज़िम्मेदारी हो जाती है। जैसे एक दिन जो है मैंने मामा से ना रिक्वेस्ट करके कहा था कि मामा आज आटा मैं गूंदती, मैं बहुत ही अच्छा गूंद लेती हूँ, तो उस दिन ना मैंने एक दफ़ा आटा गूंद दिया। तो अब जो आगे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मेरी हो गई कि हाँ वशी ने आटा गूंदना है। एक दफ़ा मैंने चाय बहुत अच्छी बना दी थी, तो आगे से जो है मेरी ज़िम्मेदारी हो गई थी कि हाँ अब चाय वशी ने ही बनानी है, तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब जो है ना आटा गूंदने की ज़िम्मेदारी मुझे दे दी गई है, थोप दी गई है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा जज ना करना, मैंने आटा बहुत ही अच्छा गूंदा था, बट मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और दूसरा मसला ये था कि आटा बहुत ज़्यादा था, परात बहुत छोटी थी, तो इस वजह से भी, लेकिन आटा जो है मैंने अच्छा गूंद लिया था। और कभी कभार जो है मेरे साथ हादसे होते हैं कि मैं पानी बहुत ज़्यादा ऐड कर देती हूँ, लेकिन फिर जो है मैं बैलेंस भी कर देती हूँ बाद में जो है थोड़ा सा सूखा आटा ऐड करके, तो उसको फिर जो है उसकी डो अच्छी सी बना लेती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं आटा गूंदने में मगन थी, और 10 बजे जो है ना ऑफकोर्स अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो तो इन बातों का तो आपको ध्यान रखना ही होता है कि 10 बजे जो है गैस चली जाती है, तो इस वजह से जो है मैं जल्दी जल्दी आटा गूंद रही थी कि कहीं 10 ना बच जाएँ और गैस चली जाए, उससे पहले जो हम लोग जल्दी जल्दी से रोटियां बना लेते हैं। रोटियां बनाने की ना मैंने टाइम लैप्स वीडियो ली थी, लेकिन अब वो कैप्चर ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ था, मैंने हालांकि लगाया तो था टाइम लैप्स पे, बट अब वो गैलरी में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो है सबके लिए रोटियाँ बना के, तो मैंने अपने लिए भी नहीं, अनुषा ने बनाई थी, मैं बस ऐसी मदद कर रही थी। और यहाँ पर जो है ये मेरा खाना है, बस यही थी छोटी सी वीडियो, छोटा सा व्लॉग। लाइक करना, शेयर करना, बाय।